सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर वर्ल्ड चैनल राशन फोटोग्राफी। गाइज, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग कुछ इस तरह का सीवी फोटो एडिटिंग यहाँ पर करना सिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग हमारा फोटो यहाँ पर देख ही सकते हो डुअल कलर बैकग्राउंड में है। एंड इतना ही नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर एक कलर में आप लोग अपने बैकग्राउंड को बना लेते हो तो आप लोग अपने बैकग्राउंड को जो कलर में चाहो उस कलर में यहाँ पर बना सकते हो, जो कि आप लोग कुछ मतलब फोटो का सैंपल को यहाँ पर देख ही सकते हो। तो अगर आप लोग को इस तरह का सीवी फोटो एडिट करना है तो वीडियो को आप लोग लास्ट से जरूर देखना, और यार वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वाला वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना है, एक मतलब प्रीसेट को भी ऐड करना है, ये वाला मतलब प्रीसेट को, और सारे स्टॉक का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, ओरिजिनल पिक भी। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, अपने मतलब प्रीसेट पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ से क्या करना है, थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके क्रॉप को छोड़ के बाकी सभी टूल को यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है, और सिंपली इसको राइट क्लिक करके आप लोग को अपने फोटो पर एक बार क्लिक करना है, और दोबारा से थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर इसको पेस्टिंग कर देना है। इस तरह से पेस्टिंग कर दीजिए, आपका मतलब फोटो के अंदर एक क्लिक के अंदर डुअल कलर टोन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो आप यहाँ पर। तो अभी आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके शेयर टू के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इस वाला फोटो को आप लोग यहाँ पर क्या करना है, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। स्नैपसीड के अंदर फोटो को ओपन करते ही आप लोग से इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा, अभी आप लोग देख ही सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि मतलब ऑफ रहेगा। तो इस पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा बहुत सारे इफेक्ट का। तो यहाँ से क्या करना है, आप लोग को 5 नंबर वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि मतलब एक्शन स्वेट के नाम से है ये वाला इफेक्ट, और सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सिंपली पेंसिल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है इस वाला ऑप्शन पर, और यहाँ से क्या करना है, टून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले क्या करना है, इसके ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लीजिएगा, और यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको ऊपर की ओर करके इसके मतलब सेचुरेशन को हल्का सा माइनस की ओर कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, और देन यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको आप लोग राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कीजिएगा, एडिट स्टेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जो कि मतलब ऊपर में है एरो टाइप का। तो इस पर क्लिक करके ब्यूरिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से टून इमेज वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम करके आप लोग अपने स्किन के ऊपर इस तरह से इसको ब्रश कीजिएगा, तो आपका फेस यहाँ पर सही हो जाएगा, जो भी मतलब ख़राब हो चुका था प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग। तो इसी तरह से आप लोग अपने फेस को यहाँ पर सही कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम देकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने मतलब फेस पर से इस वाला इफेक्ट को रिमूव कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। जहाँ पर भी आप लोग ख़राब लगे वहाँ पर इस वाला ब्रश को ड्रॉ करके आप लोग इसको मतलब सही कर सकते हो, और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा इस तरह से। देन अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, फिर से मतलब पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्टिव टूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि ये रहा। तो इस पर क्लिक करके दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम करना है, और जहाँ पर भी आपका मतलब फेस यहाँ पर ब्लैक होगा वहाँ पर एक सर्कल को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसके ब्राइटनेस को आप लोग इस तरह से बढ़ाइएगा, तो आपका मतलब फेस यहाँ पर थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ब्लैक होगा वहाँ पर इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फेस को HD में स्मूथ प्लस वाइट करना है। तो फेस को HD में स्मूथ एंड वाइट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले फोटो को यहाँ पर सेव कर लेना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फ़ोन के अंदर इस वाले ऐप को ओपन करना है, जिसका नेम मतलब स्केचबुक एप्लीकेशन है, या ऑटोडेस्क स्केचबुक आप लोग बोल सकते हो। तो सिंपली आप लोग को इसको ओपन करना है इस तरह से। देन यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ऊपर में थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा बगल में, तो इस पर आप लोग को एक बार क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, 4 नंबर पर सिलेक्ट करना है, जो कि इंपोर्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, जो फोटो को हम लोग स्नैपसीड के अंदर सेव किए थे उस वाले फोटो को यहाँ पर एड इस तरह से कर लेना है।
तो फेस को यहाँ पर स्मूथ करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या करना है, कलर के बगल में एक ब्रश टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है इस तरह से, और देन यहाँ पर क्या करना है, इसको आप लोग को नीचे की ओर इस तरह से करना है, सबसे नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करते हैं, सिंथेटिक पेंट के नाम से एक ब्रश देखने को मिलेगा, आप लोग को दिखलाता हूँ कौन सा ब्रश है। तो आप लोग गाइस यहाँ पर 5 नंबर पर सिंथेटिक पेंट के नाम से ब्रश देखने को मिलेगा, ये वाला ब्रश, तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप लोग को मार्क करके दिखलाता हूँ ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है, और सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके साइज एंड फॉलो एंड स्ट्रेंथ को आप लोग इतना परसेंट पर रख लीजिएगा। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो इस तरह से, और यहाँ से इसको कट करके दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग जूम करके अपने फेस के ऊपर आप लोग इस तरह से इसको ब्रश कीजिएगा। साइज को आप लोग इस तरह से बड़ा कर सकते हो और इस तरह से छोटा कर सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में आपका फेस है उसी डायरेक्शन में आप लोग इस वाले ब्रश को चला लीजिएगा अपने अनुसार। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको अपने हिसाब से करता हूँ। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम देकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने फेस को यहाँ पर HD में स्मूथ कर लिया। आप लोग देख ही सकते हो, जब तक आप लोग टाइम नहीं दोगे तब तक आप लोग इस तरह का फेस यहाँ पर स्मूथ नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम देकर ही कीजिएगा अच्छे तरीके से। और अभी मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग अपने फेस को वाइट कैसे कर सकते हो। तो फेस को यहाँ पर वाइट करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सिंपली इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि लेयर के नाम से है। तो इस पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर क्रिएट करना है, और इस पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसके ओपेसिटी को आप लोग को 50 के अराउंड यहाँ पर रख लेना है, और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप लोग को सॉफ्ट लाइट के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे में कलर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप लोग ऊपर की ओर करके वाइट कलर यहाँ पर कर लीजिएगा, और फिर से कट के ऑप्शन पर क्लिक करके ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ये वाला जो हम लोग ब्रश को सिलेक्ट किए थे फेस स्मूथ के लिए, उसके जस्ट नीचे आप लोग को एक ब्रश मिलेगा फेल्ट पेन के नाम से, आप लोग यहाँ पर मार्क करके दिखलाता हूँ ये वाला ब्रश। तो इस पर क्लिक करके इसके साइज वगैरह को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करके फोटो को जूम करके इस तरह से आप लोग अपने फेस को भी यहाँ पर वाइट कर लीजिएगा इस तरह से। तो मैंने अपने फेस को यहाँ पर वाइट भी कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। आप लोग बिफोर आफ्टर दिखलाता हूँ, पहले का फोटो और अभी का फोटो यहाँ पर देख सकते हो। तो जितना आप लोग को वाइट करना है इस पर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने 50 के अराउंड यहाँ पर कर दिया है, और सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, कट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली 3 डॉट वाला ऑप्शन पर फिर से क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को आप लोग को सबसे पहले सेव करना है इस तरह से। देन अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, फिर से मतलब 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से मतलब शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस बार यहाँ पर क्या करना है, अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से, और इस वाले फोटो को यहाँ पर क्या करना है, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है इस वाले ऐप के अंदर, मार्क करके दिखलाता हूँ। इस वाले ऐप के अंदर फोटो को शेयर करते ही आपका मतलब फोटो पहले स्कैन होगा और इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको जस्ट मतलब नीचे की ओर करना है। तो यहाँ पर आप लोग को ब्लर के नाम से मतलब ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस वाले ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। देन अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, अपने बैकग्राउंड के ऊपर एक बार क्लिक करना है इस तरह से, और इसको आप लोग को नीचे की ओर करके एडजस्ट वाला ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेकेंड वाले ब्लर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को इसको ऊपर की ओर करना है और एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने हिसाब से हल्का सा मतलब सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो इस तरह से। और अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से मतलब शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाला फोटो को अब आप लोग को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। तो पिक्सार्ट ऐप के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को जो फोटो मतलब स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर सेव किए थे उस वाले फोटो को ऐड करना है इस तरह से, और इसको आप लोग को फुल जूम करना है इस तरह से,
और देन यहाँ पर क्या करना है, इधर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट करके इसके हार्डनेस को फुल माइनस स्कोर करना है और साइज को फुल प्लस स्कोर करना है और नीचे की एरिया में हल्का हल्का इसको ब्रश कर देना है ताकि ये मतलब मैच हो जाए और सिंपली से यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो मैंने सारे पीएनजी को यूज किया था सारे को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो पीएनजी को फिलहाल ऐड कर लिया जो कि मतलब एक टेक्स्ट का पीएनजी है और एक मतलब टैटू वाला पीएनजी। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले टैटू के पीएनजी को हम लोग जूम आउट वगैरह करके इसको हम लोग क्या करते हैं अपने हैंड में एडजस्ट करते हैं। जिस तरह से आप लोग लगाना चाहते हो उसी तरह से आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैंने हैंड में इस तरह का मतलब टैटू वाला पीएनजी को लगा दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली एक बार इसको डन करता हूँ और टेक्स्ट वाले पीएनजी को यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरह से और इसके ब्लेंडिंग को हम लोग चेंज कर देते हैं और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, बोके इफेक्ट की पीएनजी को ऐड करते हैं। तो इस वाले बोके इफेक्ट की पीएनजी को फिलहाल मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इधर के ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ पर मेरे को लगाना है वहाँ पर मैं हल्का सा इसको इरेज करता हूँ इस तरह से पहले और यहाँ पर इसको डन करके इसके ब्लेंडिंग को हम लोग चेंज कर लेते हैं इस तरह से और जहाँ पर भी हमको लगाना होगा वहाँ पर मैं इसको इस तरह से लगा लेता हूँ। और आप सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब कलर वगैरह को हम लोग चेंज करना बैकग्राउंड कलर को तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा जो कि ये रहा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सबसे लास्ट में सॉरी इसको आप लोग राइट साइड में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को ह्यू के नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस पर क्लिक करके जो भी कलर आप लोग रखना चाहते हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। जैसे कि मेरे को ये वाला रखना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इधर के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को जूम करके अपने फेस पर से इस वाला इफेक्ट को रिमूव कर दूँगा इस तरह से। तो ये मतलब हट जाएगा बट मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं आप लोग को बतलाने के लिए यहाँ पर किया था। और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइट की पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस वाले लाइट की पीएनजी को ऐड कर लिया है और इसके मतलब क्या करता हूँ, ब्लेंडिंग को हम लोग चेंज करके यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट वाले पीएनजी के जस्ट बगल में इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, या नहीं तो आप लोग ऊपर भी कर सकते हो इस तरह से और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। फोटो का यहाँ पर HD के अंदर बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, रेमनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोटो को सेव करने के लिए ड्रॉ टूल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव करता हूँ।